तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं दानघाटी मंदिर के यहाँ पर। यहीं से गोवर्धन जो परिक्रमा स्टार्ट होती है और ये जो परिक्रमा होती है वो 21 किलोमीटर की होती है। तो अभी यहाँ से मैं तो परिक्रमा स्टार्ट कर रहा हूँ और बीच में जो भी सारे दर्शन स्थान आएंगे वो सारे मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं यहाँ से। तो अभी आप देख सकते हैं दानघाटी मंदिर के ऊपर ही भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी उंगली पर उठा के रखा है। यहीं पर गिरिराज जी का दूध से अभिषेक किए जाने की परंपरा है और एक ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों से माखन का दान लेते थे, तो इसी वजह से इसे दानघाटी कहा जाता है। तो दोस्तों ये है दानघाटी मंदिर और इसके जस्ट सामने ही ये परिक्रमा मार्ग है। सामने जो रास्ता आ रहा है वो आ रहा है गोवर्धन बस स्टैंड की तरफ से। जैसे ही आप दानघाटी मंदिर की तरफ आएंगे तो ये परिक्रमा आपको दिख जाएगी। यहीं से जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है वो स्टार्ट हो जाती है। ये सारे जो लोग हैं वो परिक्रमा करने के लिए जा रहे हैं और ये यहाँ पर आपको बोर्ड दिख जाता है परिक्रमा का, 21 किलोमीटर की है। एक छोटी परिक्रमा और है वो 7 किलोमीटर की होती है, तो वो भी कुछ लोग करते हैं। सामने की साइड में आप देख सकते हैं वो बोर्ड लगा हुआ है, जो जो भी लोकेशन इस परिक्रमा में आते हैं उनके बारे में बता रखा है। जत्तीपुरा 8 किलोमीटर, पुचरी का लोटा, ये सारे इस परिक्रमा मार्ग में आएंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से और परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे जो भक्त है वो दंडवत परिक्रमा भी करते हैं और यहीं से माता टेकते हुए परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। दोस्तों बहुत सारे जो भक्त है वो परिक्रमा पैदल भी करते हैं और बाई ऑटो के द्वारा भी करते हैं। अगर आप ऑटो के द्वारा परिक्रमा करते हैं तो यहाँ से आपको ऑटो में बैठ कर परिक्रमा आरम्भ करनी है और पूरी परिक्रमा करवा के जो मेन गेट है वहाँ से जहाँ से परिक्रमा स्टार्ट होती है वहीं पर आपको ड्रॉप करेगा। तो जैसे भी आप परिक्रमा करना चाहते हैं उस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम परिक्रमा मार्ग पे चल रहे हैं। अगर आप ऑटो के द्वारा परिक्रमा करना चाहते हैं तो पर पर्सन आपको 100 रुपये देकर देने होंगे और पूरी परिक्रमा करवा के वापस आपको उसी स्थान पर ड्रॉप कर देगा। ये सारे ऑटो खड़े हुए हैं, तो अभी हम चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग पर ही। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज जी भी कहा जाता है और ये जो परिक्रमा है वो 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की होती है। इसे भक्त दिन या रात किसी भी टाइम में कर सकते हैं और ये दो टाइप की होती है परिक्रमा। एक छोटी परिक्रमा होती है जो 3 कोस 9 किलोमीटर की होती है, तो जो भक्त बड़ी परिक्रमा नहीं कर सकते वो छोटी परिक्रमा करते हैं। इस समय हम परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। रास्ते के बीच में ही बहुत सारे साधु संत आपको देखने को मिलेंगे। इस परिक्रमा मार्ग में ही बहुत सारे स्थान आप देख सकते हैं जिसमें पुचरी का लोटा, जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे, इसके अलावा श्रीनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है इस परिक्रमा मार्ग में, और इंद्र मान भंग जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का जो मान था वो भंग किया था, तो वो स्थान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सुरभि कुंड भी जो पास में ही है इंद्र, जहाँ पे इंद्र भगवान इंद्र का मान भंग किया था। इसके अलावा एरावत कुंड भी आप इस परिक्रमा मार्ग में आप देख सकते हैं। तो ये जो सारे स्थान है वो मैं आपको दिखाऊंगा। इस परिक्रमा मार्ग में आपको फॉरेनर भी आपको परिक्रमा करते हुए देखने को मिलेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये फॉरेनर है, ये पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। इस समय मैं परिक्रमा मार्ग पे खड़ा हूँ। यहाँ पर दो रास्ते बने हुए हैं, एक पक्का रास्ता बना हुआ है, एक कच्चा रास्ता बना हुआ है। तो जैसे भी जिस भी रास्ते पर आप परिक्रमा करना चाहते हैं उस रास्ते पे आप कर सकते हैं। कच्चा जो रास्ता बना हुआ है वहाँ पर मिट्टी डाल रखी है, तो उस पर चलते हुए भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। अभी हम परिक्रमा मार्ग में 1 किलोमीटर आगे आए हैं और आप देख सकते हैं जो भक्त है वो इस तरह से दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, तो इस तरह से भी दंडवत परिक्रमा की जाती है। भगवान की जो तस्वीर ही है वो पास में रख कर अभी मैं आ चुका हूँ संकर्षण कुंड के यहाँ पर, जो परिक्रमा मार्ग में ही आता है। यहीं पर दाऊजी का मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये संकर्षण कुंड है और इसके पास में मंदिर बना हुआ है। सामने की साइड में आप देख सकते हैं
और अभी आ चुका हूँ मंदिर के यहाँ पर और आप दर्शन कर सकते हैं। चुका हूँ मैं संकर्षण कुंड के यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का दूसरा नाम ही ये संकर्षण था, तो उनके नाम से ही यहाँ पर कुंड बना हुआ है। संकर्षण कुंड से जैसे आप आगे आएंगे तो बड़ा सा गेट यहाँ पर आपको दिखाई देता है। यहाँ से पूंछड़ी का जो लोटा है वो 1 किलोमीटर है और जतिपुरा 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ये जो गेट आप देख रहे हैं इससे आगे ही राजस्थान की जो सीमा स्टार्ट हो जाती है और इस गेट तक ही उत्तर प्रदेश की सीमा रहती है। तो जैसे इसे आगे जाएंगे तो आप राजस्थान की सीमा में पहुंच जाएंगे। इस गेट के यहाँ पर ही मंदिर बना हुआ है और पास में बहुत सारी आप खाने पीने के रेस्टोरेंट की दुकान आपको देखने को मिल जाएगी। सो गाइज, अभी आ चुका हूँ मैं पूंछड़ी के लोटा जी के यहाँ पर, जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे उनके नाम से ही ये मंदिर बना हुआ है। जो भी भक्त ऑटो के द्वारा आते हैं तो यहाँ पे उतरते हैं और पूंछड़ी के जो लोटा जी है उनके दर्शन करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी जल्दी से चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, इस समय मैं आ चुका हूँ पूंछड़ी के लोटा के मंदिर के यहाँ पर। लोटा जी के नाम से भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे तो उनके नाम से ये मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर परिक्रमा में आता है तो यहाँ पर भी आप दर्शन करते हुए परिक्रमा अपनी पूरी करते रहें। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं और इनकी लीलाओं के बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे तो उस समय लोटा जी को साथ में आने का अनुरोध किया, तो लोटा जी ने साथ में आने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक मैं इसी जगह पर अनजल छोड़कर यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनसे आशीर्वाद किया कि तुम अनजल से यहाँ पर जीवित रहोगे। तभी से जो लोटा जी यहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये जो स्थान है वो राजस्थान की सीमा में आता है और पूंछड़ी जो है इस स्थान का नाम है और लोटा जी उनके मित्र थे तो उनके नाम से ही इनका नाम पड़ा है, पूंछड़ी जी, पूंछड़ी का लोटा। तो अभी आप दर्शन कर सकते हैं उनके। पूंछड़ी के लोटा जी मंदिर से जैसे आप थोड़ा आगे आएंगे तो यहीं पर आपको बोर्ड दिखाई देगा श्रीनाथ जी का मंदिर। तो यहाँ से राइट साइड में ही श्रीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है तो वहाँ पे भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं श्रीनाथ जी मंदिर के दर्शन के लिए। अभी मैं आ चुका हूँ सुरभि कुंड के यहाँ पर और यहाँ की ऐसी मान्यता है कि जब गोवर्धन पूजा के बाद में जब इंद्र को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई तब वो क्रोधित हो गए और ब्रजवासियों पर भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। तो इसके बाद ब्रजवासियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर दिया। 7 दिन तक भारी वर्षा करने के बाद इंद्र का अभिमान टूटा और गोलोक से सुरभि गाय को लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए और क्षमा प्रार्थना की। तो उसी वजह से इसका नाम जो है वो सुरभि कुंड के नाम से पड़ा। अभी मैं आ चुका हूँ एरावत कुंड के यहाँ पर। एरावत जो कुंड है वो इंद्र के जो हाथी है उसका नाम ही एरावत है, उसी के नाम से इस कुंड का नाम पड़ा, एरावत कुंड। तो ये कुंड है, अभी आप देख सकते हैं। इस एरावत कुंड के पास में श्री वन विहारी जी का मंदिर बना हुआ है और यहीं पर श्री अष्टसखा गोविंद स्वामी जी की बैठक हुआ करती थी। तो इस परिक्रमा मार्ग में यहाँ पर भी आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। सो फ्रेंड, अभी मैं आ चुका हूँ उस स्थान पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान भंग किया था। तो ये गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ही आता है
अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे जो भक्त हैं इस परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पर दर्शन के लिए आए हैं। तो जब भी आप परिक्रमा करते हैं तो इस स्थान पर आप आ सकते हैं। सामने की साइड में आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके जो सखा मित्र थे उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ बना रखी है, और उसके एक साइड में ही पास में ही मंदिर बना हुआ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान भंग किया था। तो अभी चलते हैं अभी मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। सो गाइज, अभी मैं परिक्रमा करके बाहर आ चुका हूँ, और अगर आप छोटी परिक्रमा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सामने जो बोर्ड दिख रहा है वहीं से छोटी परिक्रमा है वो स्टार्ट हो जाती है।